पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के ड्राफ्ट के बाद तमाम टीमों के स्क्वाड मुकम्मल। अगर तमाम टीमों के स्क्वाड की मुकम्मल तफसील को देखें तो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देख लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्यादत के फराज सर अंजाम देंगे ऑलराउंडर शादाब खान। शादाब खान के अलावा दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन कालन मुनरो, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर रईस टोपले, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान, इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग मर्चन डी लॉन्ग्स, पाकिस्तानी बैट्समैन दानिश अजीज, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली, पाकिस्तानी हार्ड हिटिंग बैट्समैन आसिफ अली, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर फहीम अशरफ, इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन एलेक्स हिल्स, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद अखलाक, एमर्जिंग क्रिकेटर मुबशिर खान, एमर्जिंग क्रिकेटर जीशान जमीर, इसके अलावा जफर गौर की वापसी हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें आयरलैंड खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग की तो वो मौजूद है। अगर हम बात करें कराची किंग्स की टीम की, कराची किंग्स की कमान करेंगे बाबर आजम। दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें फास्ट बॉलर उमैद आसिफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान जूनियर, इसके अलावा फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन, इसके अलावा अगर हम देखें फास्ट बॉलर अराउंडर लुइस ग्रेगरी की वो मौजूद है। इसके अलावा इंग्लैंड के बैट्समैन टॉम एबल, साबका कप्तान और कराची किंग्स के अराउंडर अमाद वसीम, इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉय क्लार्क, विकेट कीपर बैट्समैन रॉयल नजीर, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर आमिर यामीन, स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान, इसके अलावा एमर्जिंग क्रिकेटर की बात करें तो उसमें फैसल अकरम को शामिल किया गया। इसके अलावा कासिम अकरम भी एमर्जिंग क्रिकेटर में शामिल। मोहम्मद इल्जाज फास्ट बॉलर के तौर पर कराची किंग्स टीम का हिस्सा। लॉर्ड कलंदर टीम को देखें तो उसमें शामिल है सोहेल अख्तर ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन फिल साल्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें अब्दुल्ला शफीक की तो वो मौजूद है जो कि ओपनिंग बैट्समैन है। इसके अलावा ओपनिंग बैट्समैन फखर जमान। अगर हम बात करें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वो मौजूद है। इसके अलावा अफगानिस्तान के स्पिन बॉलर राशिद खान, इसके अलावा फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी, कश्मीर लीग के शानदार बॉलर जमान खान, इसके अलावा डैन शामिल है। अगर हम बात करें मोहम्मद हफीज की जो कि ऑलराउंडर है वो शामिल है। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों की बात करें तो ऑलराउंडर डेविड वीसा शामिल है। ऑलराउंडर की ही बात करें तो अहमद दानियाल को शामिल किया गया। अगर हम विकेट कीपर बैट्समैन की बात करें तो जीशान अशरफ शामिल है। इसके अलावा अगर हम बैट्समैनों की बात करें कामरान गुलाम को शामिल किया गया, मास खान जो कि लेग स्पिनर है वो शामिल है। इसके अलावा इंग्लैंड के अंडर 19 खिलाड़ी हैरी ब्रोक्स शामिल है। अगर रिजवान दीगर क्रिकेटर की बात करें तो वेस्ट इंडीज के हार्ड हिटिंग राम पावल, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रोमान रईस, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड की वो मौजूद है। इसके अलावा शाहनवाज दानी को शामिल किया गया। अगर हम बात करें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की तो ओडियन स्मिथ शामिल है, जबकि हार्ट हिटिंग बैट्समैन शोएब मकसूद शामिल है। फास्ट बॉलर ऑलराउंडर अनवर अली को शामिल किया गया। फास्ट बॉलर इमरान खान सीनियर की वापसी मुल्तान सुल्तान में, जबकि ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद भी टीम का हिस्सा है। लेग स्पिनर इमरान ताहिर को भी शामिल किया गया, जबकि खुशदिल शाह भी मुल्तान सुल्तान की लाइनअप का हिस्सा है। अगर हम बात करें आफरीदी की तो आसिफ आफरीदी टीम का हिस्सा है, साथ साथ में अब्बास आफरीदी भी टीम का हिस्सा होंगे। अगर हम बात करें एमर्जिंग क्रिकेटर की तो आमिर अजमत शामिल है। इसके अलावा साउथ अफ्रीकन शानदार क्रिकेटर रैली रोसो शामिल है। अगर हम बात करें पेशावर जलमी टीम की तो पेशावर जलमी की कप्तान होंगे वहाब रियाज। दीगर क्रिकेटर की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, इसके अलावा ओपनिंग बैट्समैन हजरतुल्ला जई, इसके अलावा फास्ट बॉलर अरशद इकबाल, साबका कप्तान और ऑलराउंडर शोएब मलिक, इसके अलावा इंग्लैंड के शानदार क्रिकेटर टॉम कॉलर कॉडमोर। अगर हम बात करें लेग स्पिनर उस्मान कादिर की तो उन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के जाराना मिजाज क्रिकेटर शेरटन रदरफोर्ड, इंग्लैंड के शानदार क्रिकेटर साके महमूद, अगर हम बात करें सलमान इरशाद की फास्ट बॉलर के तौर पर उन्हें शामिल किया गया। लीम लिविक टून शानदार बैट्समैन उन्हें शामिल किया गया। समीन गुल, इसके अलावा हैदर अली यंग प्लेयर के तौर पर मौजूद होंगे। वहीं पर अगर हम देखें तो हुसैन तलत भी टीम का हिस्सा है जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है।
इसके अलावा आमिर खान को एमरजिंग क्रिकेटर और सिराजुद्दीन को एमरजिंग क्रिकेटर के तौर पर शामिल किया गया। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम को देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर क्रिकेटर के कप्तान होंगे सरफराज अहमद, जबकि जैसलन रॉय क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में एक बार फिर शामिल हो चुके हैं। वहीं हार्ड हिटिंग बैट्समैन उमर अकमल की भी वापसी हुई है। अगर हम बात करें शाहिद आफरीदी की, वो टीम का हिस्सा होंगे। सुहेल तनवीर की एक बार फिर क्वेटा में एंट्री हो चुकी है। अगर हम बात करें जेम्स फॉल्कनर की तो वो भी मौजूद होंगे इंग्लैंड के ओपनिंग बैट्समैन जेम विंस के अलावा। अगर हम बात करें तो इफ्तिखार अहमद टीम का हिस्सा होंगे। अगर हम स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद होंगे। वहीं अगर हम बात करें मोहम्मद हसनैन की तो मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर के तौर पर मौजूद होंगे। वहीं अगर हम खुर्रम शहजाद की बात करें तो खुर्रम शहजाद भी हमें टीम का हिस्सा नजर आएंगे। वहीं अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीन उल हक भी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं बैन डिक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल रहीद बंगाली क्वेटा ग्लैडिएटर टीम का हिस्सा होंगे। वहीं अगर हम नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह शामिल हैं। इसके अलावा नूर अहमद को शामिल किया गया है और इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम में कुरैशी शामिल हैं। ये